तो आज हम देखेंगे ड्रामा कि कैसे हमें प्रॉब्लम्स आती हैं रेगुलर भक्ति विषय प्रोग्राम को ज्वाइन करने में। ओहो, आज तो बहुत ज्यादा काम हो गया ऑफिस में। ऑफिस वाले भी एक्स्ट्रा आर लेकर के एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम कराते रहते हैं। अब फाइनली मुझे रिलैक्स करने को मिलेगा, थैंक गॉड। घर पे भी आज काफी काम है। चलो आज कुछ अच्छा पकाते हैं। हेलो। अच्छा जी प्रभु जी। हाँ हाँ, एक्चुअली अभी जस्ट मैं ऑफिस से आया था। आज मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा आवर था तो मैं अभी अभी आया हूँ। घर पे भी बहुत सारे काम पड़े हैं इसलिए। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है भक्ति वृक्ष क्लास है। लेकिन अभी तुरंत एक्चुअली प्रभु जी थोड़ा थकावट हो गया था तो मैं सोच रहा था। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है प्रभु जी, ठीक है मैं आता हूँ। गॉड, पता नहीं ये हरे कृष्णा वाले लोगों को इतना टाइम और एनर्जी कहाँ से मिल जाता है। मैं तो खुद इतना थक गया, इन लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से आता है। हर चीज कर लेते हैं और ऊपर से हर वीक ये क्लास बिना डिस्कंटिन्यू किए करते हैं और कॉल करना तो कभी भूलते ही नहीं है। वैसे क्लास तो अच्छी होती है, बताते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। चलता हूँ, थोड़ा कुछ सीखने को ही मिल जाएगा। चलो रेडी हो जाता हूँ। हे, तुझे याद है मैं एक नई आई सिनेमा के बारे में बात कर रहा था? मैं उसकी वीडियो कैसेट का जुगाड़ करके आया हूँ, चल देखने चलते हैं। हाँ, अभी अभी जाना है क्या? हाँ अभी। तो फिर क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? चलो ताश खेलते हैं या फिर बिलियर्ड, चलो तैरने चलते हैं। नहीं नहीं, इन सब में अभी कुछ करने का मन नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ ना। एक्चुअली बात ये थोड़ा सा तुम्हें अलग लगेगा बट मैं ना एक भक्ति वृक्षा क्लास में जाया करता हूँ तो अभी वही एक प्रभु जी से मिलने जाना है तो मैं सोच रहा था वही जाने का। तुम भी चलो साथ में। हे हे ठहरो, तुम्हारा जन्म कौन से ईयर में हुआ था? क्यों वैसे 1991 में हुआ था। तुम अपनी उम्र तो देखो, तुम्हारी उम्र क्या ये सब चीजों की करने की है? तुम ऐसी बोरिंग और नीरस चीजों के बारे में बातें क्यों करते हो? तुम्हारी परेशानी क्या है? अरे अरे, ये इतनी भी बोरिंग नहीं है, वो तो काफी कूल है। तुम चल के तो देखो, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तुम चल के तो देखो। तुम ही जाओ वहाँ पे, तुम वहाँ किसी और दिन चले जाना। चलो अभी टहलने चलते हैं। अच्छा चलो ठीक है। हरे कृष्णा, वेरी नाइस। हरी बोल बोलेंगे भक्तों के लिए। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। आपने बिना पढ़े बिना रीडिंग किए आप लोगों ने एकदम बिल्कुल एकदम ड्रामेटाइज कर दिया उसको बहुत अच्छी तरह से कि कैसे एक उनके मित्र ने जो कि वो तैयार था जाने के लिए भक्ति विषय प्रोग्राम में और कैसे उनको गुमराह कर दिया, उसको वो अलग ही जगह ले गया। हाय नेहा, वाओ, इतने दिन बाद तुम मेरे घर आई, पता है बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग आज मूवी जाएंगे, खाना पीना खाएंगे, बहुत मजा आएगा। क्या कहना है तुम्हारा बताओ? आज बड़े दिनों बाद मिले और संडे भी है और इतना प्रेशर भरी लाइफ से आज एक छुट्टी मिला है तो चले ही जाएंगे आज कहीं और, मूवी देखेंगे, पिज्जा खाएंगे। अरे हाँ, अंकिला कहाँ रह गई? इतना टाइम हो गया। वही मैं भी हाय मैं आ गई हूँ। हेलो, हम सब लोग आज घूमने चलेंगे, ठीक है? मूवी भी देखेंगे, वैसे टिकट भी बुक कर दिया है, वंडर वुमन देखने जाएंगे आज और पूरा खाएंगे, गोलगप्पा भी खाएंगे। ओह शिट, मेरी अलार्म बज रहा है। एक्चुअली मुझे अभी याद आया कि मैंने क्लास जाने के लिए अलार्म सेट किया था आज, वो अभी याद आया। एक काम करते हैं ना, आज की प्लान कैंसिल करते हैं और आज हम तीनों मिलकर भक्ति वृक्षा क्लास अटेंड करने चलते हैं,
क्या बोलोगे आप लोग? क्या भक्ति वृक्ष का क्लास? देखो एक्चुअली ना एक भगवत गीता की क्लास चल रहा है, एक माताजी कंडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ना प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिलता है लाइफ में। तो चलो आज देख लेते हैं, उसको अटेंड करके अच्छा लगे शायद। हाँ हाँ चलते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, चलते हैं। चलो चलो हाँ जरूर चलेंगे। चुप रह जाओ, ये क्या बात कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग ज्ञान हो, एनर्जेटिक हो, और सबसे बड़ी बात 21st century में हो। क्या टेम्पल, क्या भगवान, क्या भक्ति की क्लास यार। चलो मूवी देखो, लाइफ के प्रॉब्लम मूवी देख के सॉर्ट आउट हो जाएंगे, खाने पीने से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। प्लीज ये क्या, तुम लोग प्लान में चेंज मत लाओ प्लीज। अरे श्रेया ऐसा मत बोलो यार प्लीज, आज एक दिन चलते हैं ना, आज एक दिन अटेंड करेंगे, नेक्स्ट टाइम मूवी जाएंगे, गोलगप्पा भी खाएंगे, बस आज के लिए चलना, चल प्लीज, कोई नौटंकी नहीं, चलो चुपचाप साथ में चलो। हाँ हाँ चलते हैं चलते हैं, हाँ हाँ चलते हैं। अरे यार अब तुम दोनों के साथ ही मैंने आज वीकेंड प्लान किया, तो चलो चलते ही है, देखते हैं क्या होता है। कोई नहीं, चलो इट विल बी नाइस, चलो लेट्स गो। राधा श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर में राधा रानी माता जी के यहाँ। कृष्ण अंखिला बेटा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण राधा रानी माता जी। माता जी आज मेरे दो फ्रेंड्स आए हैं क्लास अटेंड करने, एक है श्रेया और एक है निक्की, इनसे मिलिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सभी लोगों का भक्ति वृक्षा की क्लास में स्वागत है। हम लोग आज भगवत गीता का चैप्टर 4 का श्लोका 7 और श्लोका 8 पढ़ेंगे। मैं श्लोका दोहराऊंगी और उसका मीनिंग में समझाऊंगी और आपको अच्छे से सुनाऊंगी। हरे कृष्ण, यदा यदा ही ज्ञाने भवति भारत अब्रह्मानं धर्मस्य तदात्मनं सजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। श्लोक चैप्टर 4 श्लोक 7 भगवान यहाँ पे, भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोलते हैं, हे भरतवर्षीय अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तक मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। श्लोक नंबर 8 जहाँ पे श्री कृष्ण बोलते हैं, जो मैं अपनी भक्तों की रक्षा करने के लिए और उन पापियों का जो मेरे भक्तों को परेशान करते हैं उनका, उनके पाप कर्म करने वालों का मैं विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों तक प्रकट होता रहता हूँ। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तगण को हमारी भक्ति वृक्षा की क्लास बहुत पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नेक्स्ट वीक भी हमारी भक्ति वृक्षा की क्लास जरूर अटेंड करेंगे। हरे कृष्णा। जी हाँ माता जी जरूर आएंगे। हरे कृष्णा। नेक्स्ट संडे श्रेया के यहाँ। किसका फोन आ रहा है, फोन में भी डिस्टर्ब। हेलो हरे कृष्णा श्रेया बेटा, कैसे हो आप? हरे कृष्णा, मैं भक्ति रक्षा क्लास से बोल रही हूँ। तबियत ठीक नहीं लग रही है तो फिर सॉरी मैं ज्वाइन नहीं कर सकती, मुझे तबियत ठीक नहीं है माता जी। कोई बात नहीं श्रेया बेटा, आप नेक्स्ट वीक जरूर अटेंड कीजिए। जी माता जी। नेक्स्ट वीक फिर से। ओहो ये माता जी का कॉल फिर से आ गया। हेलो हरे कृष्णा श्रेया बेटा, कैसे हो आप? हरे कृष्णा माता जी, ठीक हूँ मैं। श्रेया बेटा हमने आपको जूम लिंक पे साइन कर दिया है भक्ति रक्षा की क्लास के लिए, आप अटेंड कर लीजिए बेटा। हेलो हेलो माता जी, मुझे लगता है नेटवर्क नहीं आ रहा है। हेलो माता जी। हेलो हरे कृष्णा जी, नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, सॉरी नेटवर्क नहीं है। बेटा
हर संडे ये लोग मुझे कॉल करते हैं, लगता है इनका नंबर ब्लॉक करना है, फाइनली ब्लॉक। अब मैं आराम से सेल्फी ले सकूंगी। हरी बोल हरी बोल। तो आज ब्रजेश्वरी ग्रुप के सभी जितने भी डिवोटीज हैं उन्होंने मिलकर ये ड्रामा किया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार क्लैपिंग करेंगे सबके लिए हरी बोल करके। हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। तो अभी हम लोग आपको समझ में आ गया होगा इम्पोर्टेंस क्या। देखिए उसने वो बोलते हैं ब्लॉक कर दूंगी मैं, ब्लॉक कर दूंगी। ब्लॉक करने से क्या होगा, उसको एसोसिएशन नहीं मिलेगा, एसोसिएशन नहीं मिलेगा, भक्तों का संग नहीं मिलेगा, तो फिलॉसफी नहीं मिलेगी, फिलॉसफी नहीं मिलेगी तो जीवन का आनंद कहाँ मिलेगा। माया के चक्कर में पड़ी रहेगी, वो सोएगी ज्यादा या फिर मूवीज देखेगी तो क्या करेगी, मतलब टेम्परेरी लाइफ होगी ना, परमानेंट नहीं है उसकी। तो ये हमें समझना होगा बहुत अच्छी तरह से कि हमें चूज करना है एक जने को, किसको, माया को या कृष्ण को। दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, दो पाले हैं, या तो माया को चूज करोगे या कृष्ण को चूज करोगे। कृष्ण को चूज करोगे तो हमेशा प्रसन्न रहोगे, इटर्नल लाइफ है ये वाली, लाइफ भी अच्छी रहेगी आपकी और अगली लाइफ भी अच्छी रहेगी, वो भी बहुत ही बेस्ट लाइफ रहेगी। और अगर आप माया को चूज करते हो तो फिर क्या होगा, इस जीवन में भी दुख पाएंगे, अगले जीवन में तो दुख पाएंगे है ना, तो इसे पाप पूर्ण कार्य करेंगे। और जैसे अब आज एकादशी का व्रत है, कई लोग एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, आज के दिन अन्न खाते हैं, तो उससे क्या होगा, आज के दिन पाप पुरुष अन्न के अंदर आ जाते हैं, तो जब हम अन्न खाएंगे तो पाप खा रहे हैं। तो हम जब भक्ति करते हैं तो सारी बातें हमें समझ में आती है, धीरे धीरे भक्तों के संग में ही फिर हम चैंटिंग शुरू कर देते हैं, भजन क्रिया शुरू करते हैं। तो आप लोग ऑलमोस्ट सभी लोग चैंटिंग कर ही रहे होंगे, तो लेकिन किसी ने अपडेट नहीं किया। मैं सब कह रही थी कि आप लोग सब अपडेट करना शुरू कर दो ग्रुप्स में, क्योंकि सभी ग्रुप में अब अपडेट हो रहा है, सब अपने अपने चैंटिंग कितने बजे तक आपने 16 माला जप किया वो अपडेट करते हैं, जो लोग 16 माला जो कर रहे हैं वो, और जो कम कर रहे हैं वो भी करते हैं, जितने भी कर रहे हैं आप माला, कोई 4 कर रहा है, कोई 5 कर रहा है, जितने माला करते हैं वो अपना लिखेगा कि 4 अपने अपने ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप कनेक्टेड हो ना। इससे क्या होगा कि जब आप अपडेट कर रहे होगे ना, आपने मान लो रीडिंग नहीं किया या चैंटिंग नहीं किया, तो आपको बोलेगा मुझे अपडेट करना, फटाफट करूँ मैं, और टाइम भी जाएगा, तो इससे आप क्या करोगे, अपडेट करोगे और आपकी साधना अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग से अपडेट करो। तो आज से मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है सभी ग्रुप से, सभी मेंबर से, कि आप लोग आज से अपना अपनी साधना अपडेट करना शुरू कर दो, अपने अपने कितना राउंड किया आपने और कितने बजे खत्म हुई आपकी चैंटिंग। मुझे कई लोग अपडेट करते हैं, कई लोग ऐसे अपने आप ही करते हैं कि दूसरे दूसरे ग्रुप से जो पहले से कनेक्टेड थे मेरे साथ, पहले से कर रहे थे तो वो करते हैं, तो इससे क्या रहता है, मुझे भी रहता है। एक कोई लड़की जैसे वो नहीं कर पाई, बीमार थी, 16 माला नहीं कर पाई, तो या लेट उठ रही है, तो मैं उसको फिर बोलूंगी कि क्या प्रॉब्लम है, या उससे बात करूंगी, तो फिर धीरे धीरे उसे ठीक हो जाता है उसका। तो इसलिए बहुत अच्छा है कि हम लोग अपडेट करें, बहुत अच्छा है, अपने लिए भी अच्छा है, अपनी साधना के लिए, और क्योंकि एक ऊपर रहना चाहिए सिर पे, जिसको पता रहना चाहिए आपकी साधना के बारे में, है ना। तो उससे क्या होता है कि उसकी नॉलेज में रहता है, और क्या होता है आपके लिए भी अच्छा, आपकी भक्ति के लिए। और दूसरा जो है, आज मैं जामिल की स्टोरी सुनाऊंगी आपको सबको, आप लोग तो जो मखेश्वरी ग्रुप है उनको दोबारा सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग तो आज उनकी वैसे तो 11 मॉड्यूल होना था, पर आपने आप लोगों ने एंजॉय किया कि नहीं किया आज बताइए, मखेश्वरी ग्रुप अच्छा लगा, अच्छा ऐसा लग रहा है, आनंद आ रहा है ना सबके साथ मिलकर, लग रहा है तो सारे। हाँ उसमें आप लोग 4-5 लोग होते हैं ना, इसमें आज के 30 लोग इकट्ठे हैं, हम लोग देखो कितने सारे लोग इकट्ठे हैं ना, तो कितनी अच्छी बात है ना, सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं तो आनंद कुछ और ही आता है ना, तो हर भक्त अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है ना, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी तो जाता है ना साथ में, तो इसलिए बहुत अच्छा है, आप लोग सारे इकट्ठे रहिए, मिलके रहिए। और ये प्रभुपाद ने एक संघ बनाया ना,
प्रभुपाद ने संघ बनाया, इस संघ के संघ में शक्ति होती है ना, हर भक्त कुछ ना कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा ना उसमें, उसकी प्रेजेंस ही काफी है। और अगर आपके कोई भी सवाल हो, अगर वो पर्सनल है तो वो हमसे आप ईमेल पर पूछ सकते हैं, अगर वो इतने पर्सनल नहीं है तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, हमारी किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, हो सकता है वो उस वीडियो से रिलेटेड हो सकता है वो उस वीडियो से ना रिलेटेड हो, पर हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमसे कनेक्ट करेंगे। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए इस्कॉन गर्ल्स फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश के साथ। मुझे उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तभी हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आपकी सेवा ऐसे ही करते रहें। वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोगों को कृष्ण कथा का आनंद मिल सके, और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको ज़रूर पता चले। हरे कृष्णा। और आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट। हरे कृष्णा।